हाँ जी सर जी। हाँ कहाँ पहुँचे हो? सर जी मैं लोकेशन पे तो पहुँच गया हूँ लेकिन आपका कहीं दिख नहीं रहा ऑफिस। कहाँ पे आपका ऑफिस? तुम्हें कोई ऑटो दिख रही है? जी सर जी हरी ऑटो। हाँ सर जी दिखी दिखी। हाँ तो उसी में आ जाओ। आ रहा हूँ सर जी। ओए हाँ ऑटो बैठ। जी सर जी। हाँ बेटा मैं रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रास्ता ढूंढने में? अरे पैर छिल गए इतनी धूप में, आपने पता नहीं कहाँ बुला लिया हमको, कान फट गई हमारी। पता नहीं कितनी दूर है आपका ऑफिस, आपने ऑटो में बैठा लिया है, कितनी दूर है बताइए। आपकी फट गई? आपको जो भी परेशानी हुई ना उसके लिए मुझे बहुत बड़ा खेद है। और ऑफिस ऑफिस यही है। ये आपका ऑफिस है क्या? आपका बिजनेस क्या है आपका वैसे? आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है ऑटो में। हमारा बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। हम सवारियाँ बैठाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी जगह पे। तो सर जी आपने मुझे इतनी धूप में ऑटो में बैठाया है और अपना बिजनेस कराएंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है? ना 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 ना, ना। तुमसे ये बिजनेस नहीं करवाना है, तुमको इस ऑटो को सिर्फ चलाना है। क्या सर जी आपने मुझे इतनी धूप में ये ऑटो वाला बिजनेस बताया है? ऑटो चलवाएंगे, ड्राइवर बनाएंगे आप हमको? हाँ तुमको यही ऑटो चलाना है। और तुमको क्या लगता है ये कोई छोटा मोटा बिजनेस है? पांक, पांक। जब मैं शहर में आया था ना यही ऑटो भाड़े पे लेके चलाया करता था। आज मेरा बिजनेस इतना ज़्यादा फैल गया कि हजारों लोगों की नौकरी दे चुका हूँ यही ऑटो चलाने का। तुम जैसे पढ़े लिखे लौंडे आज हमारे यहाँ काम करते हैं। अच्छा अच्छा अपना रिज्यूम लाओ। रिज्यूम? जूम सर जी। जूम का क्या होता है? जूम नहीं रिज्यूम सर जी। जूम कहाँ? जूम तो निकल गया, अभी तो जुलाई चल रहा है, जूम तो पिछले महीने था। अगर कोई डॉक्यूमेंट लाए हो, कोई कागज पोतली या फिर सीवी? सर जी ऐसे बताइए ना, आपको टीवी चाहिए? टीवी नहीं लाए हैं। अबे टीवी नहीं सीवी। सीवी सर जी हमको सीवी टीवी ये सब हमको नहीं मालूम, हम सिर्फ एक पेपर लाए हैं। ये देखिए इसी में है जो कुछ है। अच्छा तो तुम्हारा नाम शुभम है? हाँ है। तो हमारा ही नाम शुभम है, कोई परेशानी? तुमको अपना नाम का मतलब पता है? नहीं हमको मतलब सत्रह अपना नहीं पता। बचपन में माई और बाबू ने यही नाम रखा था बड़े प्यार से, यही है सो है शुभम। अच्छा चलो तुमका नहीं पता हम बताता है। शुभम का मतलब होता है शुभ, मतलब कार्य अच्छा होना। अच्छा इतनी बड़ी गहरे तो हमें पता ही नहीं थी। बड़ा अच्छा नाम रखा हमारे माई बाबा ने, वाह ग्रेट है हम। अच्छा तुम्हारे माई बाप जब मार्केट जाते हैं बाजार जाते हैं तो तुमको लेके जाते हैं कि नहीं? नहीं सर जी हमको मेरे माई बाबू कहीं नहीं लेके जाते हैं। हाँ एक दिन हमको लेके गए थे नई गाड़ी दिलाने के लिए। हम लोग जैसे ही शोरूम पहुँचे वहाँ कस के आग लग गई। हम लोग बचते बचाते दूसरे शोरूम पहुँचे तो वहाँ भी आग लग गई। उस दिन से माई बाबू ने हाथ जोड़ लिया कि हमको अब कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, तो उस दिन से वो कहीं नहीं लेके जाते हैं। नाम तो सिर्फ शुभम है, करम से तो सारी राछा से राछा से। हाँ सर जी कुछ बोल रहे हैं का? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा हम देख रहे हैं कि तुम हाई स्कूल किए हो। हाँ उसमें लिखा है का है? इसमें तो लिखा है। अच्छा इंटर वो लिखा है का? लिखा तो है। तो ये मान ली उसमें जो जो लिखा है वो सब हम किए बैठे हैं, करें हम तो हैं। अच्छा सेक्स जी करने का तो बहुत मन है लेकिन क्या बताएं भाई, किस्मत नहीं मिली कोई अच्छी लड़कियां नहीं मिली वरना कर डालते। मैं तुम्हारी सेक्स की कहानी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा लिंग। हाँ सर जी है बिल्कुल है लिंग है मेरे पास। भगवान मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। तो फिर क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम आदमी हो औरत? तुमको क्या लगता है हमारी शक्ल देख पहचान नहीं पा रहे हो कि हम आदमी ही औरत? पर्सनल क्वेश्चन मत कर समझे। अबे मैं तुमसे इतने देर से क्या पूछ रहा हूँ, तू पढ़ा लिखा है कि नहीं? कैसा इंटरव्यू लेने वाला है ये? इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? मैं इंटरव्यू हूँ, हाई स्कूल हूँ, मैं सब तो हूँ ना मैं, तो काहे पूछ रहे हो कि मैं क्या पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं हूँ? अच्छा ये बताओ तुमको गाड़ी चलाना आता है? सर जी गाड़ी तो हम ऐसी चलाते हैं कि समझ लो हवा में उड़ा देते हैं, आग लगाते हैं सड़कों में। बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं हम, गोल्ड मेडल मिला है हमको गाड़ी चलाने का, समझे आप? लगता है बढ़िया ड्राइवर है। अच्छा चलो तुमसे एक सवाल पूछते हैं, तुम हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो
तुम्हारे बाएं हाथ पे एक कुत्ता आ जाए और दाहिने हाथ पे एक आदमी, अब तुम ही बताओ तुम पहले किसको मारोगे? टेंशन वाला सवाल कर दिए, आदमी मारेंगे सर जी? कुत्ते को मारूंगा मैं पहले, सबसे पहले मैं कुत्ते को ही मारूंगा। अबे भोसड़ी, पहले ब्रेक मारोगे, कुत्ते को उड़ाए दे रहे हो बे फर्जी। फर्जी आपको पहले बताना चाहिए था कि गाड़ी में आपके ब्रेक भी है, काम का कुत्ते को मैंने उड़ा दिया और आदमी बचा लिया भोसड़ी वाले को। ब्रेक मार दूंगा इस अगली बार मैं। तो नहीं मालूम है गाड़ी ब्रेक होता है? नहीं मुझे नहीं मालूम है। तुमको नहीं मालूम गाड़ी ब्रेक होता है? तो हवा में कैसे गाड़ी उड़ाते थे? अभी मैंने आपको क्या बोला था, मैं गाड़ी हवा में उड़ा देता हूँ, आग लगा देता हूँ, तो वहाँ कहीं ब्रेक मारने की जरूरत पड़ती है? कोई आते ही नहीं है, गाड़ी आवे से बराबर चलती रहती है, उड़ती रहती है, ब्रेक लगने की जरूरत ही नहीं। चलो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाओ। नहीं है। नहीं है? पैन कार्ड? मेरा खाता खोल ले हो क्या जो पैन कार्ड चाहिए? आधार कार्ड? आधार कार्ड लेके कौन चलता है यार इतनी गर्मी में? हाई स्कूल की मार्कशीट लाओ। हाई स्कूल मार्कशीट नहीं है मेरे पास। इंटर की मार्कशीट? वो भी नहीं है। अबे तो ये सीवी में क्यों लिखवा दिया? देखिए सर जी, मैं सागर का एफ दिया था, उसको मैंने 100 रुपये दिया और उसने मुझे सीवी बना के दिया और उसने मुझसे बोला कि अगर तुमको मैनेजर को पूछे तो उससे बोलना कि जो जो मैंने इसमें लिखा है वो पूछे क्या लिखा है, तो बोल रहे सब मैंने किया हुआ है, तो यही बोलना, बाकी वो समझ गया। अच्छा ही मैटर है, कहीं और काम किए हो? देखिए सर जी, हमने काम तो बहुत जगह किया है, हर एक शोरूम में किया है, कहाँ क्या, लेकिन पैसा मैंने कहीं नहीं कमाया। 10-12 शोरूम में काम कर चुके हैं, लेकिन हम पहली जगह जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ फम से आग लग जाती थी, हर शोरूम में गए वहाँ भी आग लग गई। बहुत हारते हारते आपके पास हम आए हैं, सोचा नौकरी मिल जाएगी, सेटल हो जाएंगे, शादी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, हम तुमको कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे कि तुम्हारी नौकरी लगी है कि नहीं। ठीक है सर जी, आप मुझे कॉल करके बताइएगा, जब तक मैं घर जाता हूँ जैसा हमको बता दिएगा। ठीक है सर जी। काम का सुबह है, काम सारे सब पनौतियों वाले रहे, चलो चलते हैं।